दोस्तों मैंने एक कोका कोला को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस को धीरे धीरे दबाता गया और फिर एक समय आया कि कोका कोला इसमें फट गया। अब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक फुटबॉल को रखता हूँ तो उसको एकदम से वो दबाता जाता है और फिर एक समय बाद क्या होता है कि फुटबॉल से एकदम फट जाती है। इसकी तो एकदम से फट गई है, ओ ऐसा कैसे हो गया। अब आ गए हैं कोरोना बाल। कोरोना बाल का तो रो रो के बुरा हाल है और हाइड्रोलिक प्रेस ने इसको चटनी बना दी, एकदम चपटा कर दिया। अब आ गए हैं लाल बाल और नीली बाल और ब्लू बाल। सभी बाल जो है कि हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे आते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस को दबा करके उनकी चटनी बना देता है और इसे सब समोसे के साथ खाते हैं। ऐसी